आज के सेशन में जो JNU का अपडेशन आया है, थोड़ा सा उन्होंने अपडेट किया है, इन्फॉर्मेशन दी है प्रेस रिलीज के माध्यम से दी है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे और आगे इस सारे परसेप्शन जो उठे हैं उनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। लास्ट ईयर एग्ज़ाम दिसंबर में हुआ था, उस एग्ज़ाम को देखते हुए बहुत सारे स्टूडेंट्स इस बार लगातार पूछते आ रहे हैं कि JNU के बारे में इन्फॉर्मेशन कुछ बताई जाए। तो JNU के बारे में अभी कोई नोटिफिकेशन नहीं आया। नोटिफिकेशन का मतलब होता है कि उनकी ऑफिशियल साइट्स पर वो डेट्स रिलीज़ करते हैं कि फॉर्म कब भरा जाएगा, नोटिफिकेशंस कब आया है, एग्ज़ाम कब होगा, लास्ट डेट क्या है, सारा एग्ज़ाम के बारे में सारी प्रोसेस को रिलीज़ करते हैं, उसको बोलते हैं नोटिफिकेशंस जो ऑफिशियल साइट पर रिलीज़ करते हैं। अभी तक कोई भी ऐसा नोटिफिकेशन नहीं आया है, बट टेंटेटिव डेट्स संभावनाएं जिनको बोलते हैं, तो संभावनाएं दी गई हैं। वो संभावनाएं टाइम्स ऑफ इंडिया या प्रेस रिलीज के द्वारा उन्होंने दी हैं। वो पिछली बार भी ऐसा ही किया था, द हिंदू या जो रिलायबल न्यूज़पेपर होते हैं, न्यूज़ एजेंसीज़ होती हैं, उनको वो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ अपनी एक संभावनाएँ एकेडमिक सेशन के बारे में देते हैं। तो JNU ने भी यहाँ संभावनाएँ दी हैं। उस प्रेस रिलीज में कुछ बातों को उन्होंने जस्टिफिकेशन किया है, कुछ बातें क्लियर की हैं, वो बातें हम आपके सामने पढ़ देते हैं। बाकी और सारी चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस नहीं कर सकते हैं, वो एग्जैक्ट हू बहू आप टाइम्स ऑफ इंडिया की प्रेस रिलीज में आप इस चीज़ को देख सकते हैं कल की। तो यहाँ पर उन्होंने क्या रिलीज़ किया है उसके बारे में हम लोग स्ट्रेट फॉरवर्ड टू द पॉइंट आपको यहाँ पर दे रहे हैं। JNU एंट्रेंस एग्ज़ाम JNU EE, यानी कि ये एंट्रेंस एग्ज़ाम MCA के लिए नहीं, कोई भी जितने भी वो एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है, जितने भी करिकुलम के लिए वो एग्ज़ाम कंडक्ट करा रही है, सारे के लिए प्रेस रिलीज है। फॉर द एकेडमिक ईयर 2019 एंड 20 एकेडमिक ईयर के लिए प्रेस रिलीज की गई। टेंटेटिव डेट जो संभावना है उन्होंने दी है 27 to 30 दिसंबर, यानी लास्ट वीक ऑफ दिसंबर में वो करवाएंगे एग्ज़ाम को, ऐसा उन्होंने बोला है। और एग्ज़ाम जो होगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा, इसका मतलब एक क्वेश्चन आएगा उसके चार ऑप्शंस होंगे जैसा कि होता हुआ आया, बट उन्होंने यहाँ पे क्लियर किया है क्योंकि पहले एग्ज़ाम सब्जेक्टिव हुआ करता था, फिर वो लास्ट ईयर पहले इस एग्ज़ाम को ऑब्जेक्टिव बनाया गया, तो उन्होंने क्लियर किया है कि उसका मोड क्या होगा। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, उसको मैंने क्लियर किया है कि जैसे कि आप जो ट्रेंड में एग्ज़ाम चल रहे होते इस समय, जैसा कि आप जो पैटर्न चल रहा है उसी पैटर्न पर आधारित होगा, एक क्वेश्चन के चार ऑप्शंस होंगे, उन सारे ऐसे क्वेश्चंस को आपको करना होगा। कितने क्वेश्चंस आएंगे, कितने टाइमिंग का रहेंगे, सब नोटिफिकेशन की बातें हैं, वो नोटिफिकेशन में क्लियर की जाएंगी। अभी तीन बातों को उन्होंने क्लियर किया है कि डेट ऑफ एग्ज़ाम जो टेंटेटिव है, एग्ज़ाम का मोड क्या होगा, और जो ऑफलाइन हुआ करता था एग्ज़ाम, उन्होंने कहा इस बार एग्ज़ाम कंप्यूटर बेस्ड होगा, कहने का मतलब ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा, कंप्यूटर पर आपको एग्ज़ाम देना होगा। तो इन तीनों बातों को उन्होंने क्लियर किया है प्रेस रिलीज के थ्रू। पिछली बार भी जो प्रेस रिलीज की थी, संभावनाएं व्यक्त की थी, एग्ज़ाम को उन्होंने दिसंबर में कराया है, तो इन सारी संभावनाओं को देखते हुए आप थोड़ा सीरियस हो जाएं, ये मान चलें कि अगर उन्होंने दिसंबर को दिया है तो दिसंबर के आसपास या जनवरी तक उस चीज़ को वो क्लियर करा के ले जाएंगे, एग्ज़ाम को कराएंगे। तो एग्ज़ाम जो अप्रैल या मई में आप सोच के रखे थे उतना डिले नहीं होगा, एग्ज़ाम के लिए आप सीरियस हो जाएं और उनकी ऑफिशियल साइट्स को या रिलायबल साइट्स को या जो भी आपको इस तरीके की इन्फॉर्मेशन देते हैं जो रिलायबल हैं, आप उनकी इन्फॉर्मेशन के अपडेट में रहें। दीपावली के आसपास वो क्लियर कर देंगे, जब तक नोटिफिकेशन नहीं आता है तब तक सारी बातों को हम लोग क्लियर नहीं कर सकते हैं। अभी तक की इन्फॉर्मेशन जो दी थी आप तक शेयर की गई, थैंक यू। आगे जो भी इन्फॉर्मेशन होगी, जैसा भी रिलायबल साइट्स पे होगा, हम अपडेट करेंगे। आप बने रहिए मावला क्लासेस के साथ। धन्यवाद।